स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ठंड से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड चल रही है। लगातार दो दिन से सर्द हवाओं से प्रदेश में सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीजन में पहली बार 5 जिलों में पारा माइनस में पहुंच गया है। साथ ही माउंट आबू में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है, और उसी के साथ आम लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में सर्दी का सितम सीजन में पहली बार 5 जिलों में पारा माइनस में पहुंच गया है। हालांकि जिस तरीके से कोहरा छाया रहता है, लोगों को खासी दिक्कतें, वाहन चलाने वालों के लिए दिक्कतें लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर सीजन की सबसे सर्द रात यहां पर दर्ज की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ऐसे में जो सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए ये खासी अच्छी खबर, लेकिन आम लोग जो वहां पर रहते हैं उनके लिए यहां पर परेशानियां ठंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। माउंट आबू में 10 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। सर्दी लगातार बढ़ती हुई और इन सबके बीच पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और लगातार चल रही सर्द हवाएं प्रदेश में सर्दी के तेवर को और तीखा करती हुई। लगातार मंगलवार को पारे ने सर्दी का ऐसा पंच लगाया है कि लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। सीजन में पहली बार 5 जिलों में पारा माइनस में पहुंच गया। सहयोगी सुमित शर्मा सीधा डोडा भीम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, किस तरीके से तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। जी रंजना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो सर्दी की जो पूरी फिल्म है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन महीनों में जो सर्दी का सितम है वो लगातार ही बढ़ता जाता है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी कई संभागों को ऑरेंज अलर्ट कर रखा है। और अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी लगातार अपने तेवरों को दिखा रही है। अगर हम टोडा भीम के इलाके की बात करें या पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। टोडा भीम के ग्रामीण इलाकों में भी जो पारा है वो पड़ रहा है। पारा भी सुबह की टाइम इतनी इस कदर पारा देखा जाता है कि बर्फ की तरह सफेद जो चादर है वो जमा हो जाती है, जो कहीं ना कहीं सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि जो गेहूं की फसल होती है उसको कहीं ना कहीं अधिक सर्दी पड़ना लाभदायक होता है, लेकिन सरसों की जो फसल होती है उसे किसान इस अधिक पारा पड़ने से नुकसान मानते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मैं खुद ग्राउंड जीरो पर खेतों पर मौजूद हूँ। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके का नजारा है। सर्दी है वो लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है। लोग हैं वो अलाव का सहारा लेकर इस सर्दी से बचते नजर आ रहे हैं। और रंजना, देखिए जब सर्दी तेज होती है तो कहीं ना कहीं घरों में भी गर्म गर्म पकौड़े बनने शुरू हो जाते हैं। दुकानों पर भी जो गर्म चीजें हैं, जो गर्म पेय पदार्थ हैं, उनका सेवन ज्यादा किया जाता है। हालांकि सबसे सुख की बात यह है कि अब सूर्य देव हैं, उन्होंने अपने दर्शन दे दिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो अधिक सर्दी पड़ रही थी उससे अब थोड़ा भी बच्चों को सर्दी से राहत मिलेगी। जी रंजना जी, बिल्कुल जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं कि लोग खासे परेशान हो रहे हैं, ऐसे में वो लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए सर्दी सितम बनती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुमित? बिल्कुल रंजना, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जिनके घरों पर छत होती है वो तो सर्दी से बच जाते हैं, लेकिन जो लोग फुटपाथों पर पड़े हैं, जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, जिन लोगों के पास रहने को एक छत नहीं है, उन लोगों को ये सर्दी का जो सितम है वो बहुत ज्यादा सताता है। हालांकि समाज से भी लोग हैं वो आगे आते हैं और आगे आकर कंबल प्रदान करते हैं जैसे कि उन लोग सर्दी से बच सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बाहर रहते हैं या जो लोगों के झोपड़े हैं उन लोगों को सर्दी का सितम रंजना बहुत सताता है। अगर बात करें हम जिला स्तर पर सभी जो नगर परिषद नगर पालिका है उनके द्वारा रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि जो बाहरी लोग होते हैं, जिन लोगों को रुकने की व्यवस्था नहीं होती, वो रैन बसेरे में अपना गुजारा कर सके और रुककर अपनी रात बिता सके। तो कहीं ना कहीं तरीके के लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए जिला स्तर पर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जाती है। और हालांकि सबसे बड़ी बात है कि धरती पुत्र किसान इन समय अपनी सिंचाई का कार्य कर रहा है, अन्नदाता है वो खेतों में है और सिंचाई का काम कर रहा है। अगर बात तो आवारा पशुओं से रंजना, बहुत ही रात भर जागकर किसानों को रखवाली करनी होती है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो फसल को आवारा पशुओं में चौपट ना कर दे, इससे
लेकर ना खुद किसान रात को खेतों में रहते हैं, सर्द भरी हवाओं में सबसे बड़ी जो शीत लहर चल रही है उनसे कहीं ना कहीं कभी सर्दी का एहसास हो रहा है, तो लोगों को सर्दी का जो सितम है वो लगातार सता रहा है। जी रंजना जी बिल्कुल, जिस तरीके का जिक्र आप कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, रैन बसेरों में सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया खासतौर पर इस सीजन में कि 5 जिलों में जो पारा है वो माइनस में पहुंच गया है। बिल्कुल रंजना आप सही कह रही हैं कि अगर मैं माउंट आबू की बात करूं, फतेहपुर की बात करूं, हमारे साथी पत्रकार लगातार इंडिया न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्टिंग कर रहा है सर्दी को लेकर, तो कई जिलों में तो सर्दी से हाल है वो बेहाल हो गए, लगातार हम सर्दी का सितम उसको दिखा रहे हैं और हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि जो सर्दी है वो लोगों को कब कपा रही है और इसमें सबसे बड़ा जो अलाव है वो सहारा बनती है, गर्म कपड़े सहारा बनती है और कहीं ना कहीं गर्म के पदार्थों से लोग इस सर्दी से बचते नजर आते हैं। जहाँ लोग सुबह के टाइम एक चाय पिया करते थे घर में, अब लगातार 2 से 3 चाय घरों में पी रहे हैं क्योंकि जो स्थिति है गर्म कपड़ों से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि सुबह के टाइम यह कोहरा रहता है लेकिन जैसे जैसे सुबह हटता जाता है तो हल्का हल्का कोहरा है वो दूर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो कोहरे का सितम है वो अभी ग्रामीण इलाकों में कम है लेकिन जो पारा पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता बन रहा है क्योंकि सरसों की फसल इस समय उनके हट चुके हैं कईयों के और उन पर फली आ गई, तो कहीं ना कहीं जो कला है वो सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाता है। शासन की अगर हम बात करें ठंड की, इस सीजन की अगर बात करें तो रंजना इस सीजन में जो ठंड है कई जिलों में रिकॉर्डेड टूटे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जयपुर में भी सबसे तेज रात दर्ज चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस बार जो सर्दी का सितम है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है और जैसे जैसे जनवरी का माह आएगा, 2 दिन बाद ही जनवरी का माह शुरू हो जाएगा, तो सर्दी लगातार अपने तेवर है वो ज्यादा दिखाना शुरू कर देगी। जी रंजना जी बिल्कुल, यहाँ पर राजधानी जयपुर का जिक्र कर रहे हैं, सीजन की सबसे सर्द रात वहां पर दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर से क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं? जी रंजन देखिए, जैसे साथी पत्रकार बता रहे थे कि जो जयपुर में है वो सबसे सर्द रात दर्ज गई है, जो लोग हैं वो गर्म पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और लोग हैं वो घरों से अपने कम समय से बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयपुर के भी जो सर्द रात है तो लोगों को सर्दी का सितम जयपुर में भी सता रहा है। जी रंजना जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग खासे परेशान हैं, ऐसे में आप सुबह जो अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, जो वाहन चलाते हैं उनके लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें, क्योंकि कोहरा सुबह से शुरू होकर लगभग दिन तक बना रहता है, ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि जब विजिबिलिटी अगर ज्यादा है, कोहरा अगर ज्यादा है, तो वाहन चालकों से भी इंडिया रूट निवेदन करता है कि वो अपने घरों से उचित समय पर निकले और जो समय जब कोहरा भर जाता है ना, तो कहीं ना कहीं जो वाहनों की लाइट जलाकर लोगों को चलना होता है और जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी हो जाती है और कोहरे से कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को घरों से अपना जरूरी काम होने पर ही निकलना चाहिए और अगर कोई महत्वपूर्ण काम ही है तो घर से बाहर निकले और वाहनों की लाइट जलाकर निकले और गाड़ी की गति है उसको धीरे चलाएं, तो कहीं ना कहीं ये वाहन चालकों के लिए भी जो कोहरा होता है वो बहुत बड़ी परेशानी होती है क्योंकि लोगों को देखिए रंजना सुबह ऑफिस का वक्त होता है, ऑफिस भी जाना होता है क्योंकि जो सरकारी कर्मचारियां हैं या प्राइवेट काम करते हैं लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना होता है, ऑफिस टाइम में अपने घर पर पहुंचना होता है, तो रंजना कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इससे सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके की जो दुर्घटना है उससे बचा जा सके क्योंकि कोहरा है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार गाड़ियों से पास के पास गाड़ियों को जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरी गाड़ी भी नहीं दिखती है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और इंडिया न्यूज भी अपील करता है कि लोगों को घर जो कोहरा है विजिबिलिटी उससे सावधानी बरतनी चाहिए। जी रंजना बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ऐसे में प्रशासन भी यहाँ पर इसको लेकर एहतियात बरतते हुए स्ट्रीट लाइट जलने का जो टाइमिंग होता है उसे बढ़ा दिया गया है जिससे कि सड़कों पर रोशनी हो सके और आवाजाही में यहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं कोहरे के चलते वो कहीं ना कहीं कम हो सके। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान शुरू किया गया था जहां पर गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जा रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाने को लेकर जिससे कि एक्सीडेंट्स ना हो, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही, क्या लोग पहुंच रहे हैं रिफ्लेक्टर लगाने के लिए? जी बिल्कुल रंजना, जो लोगों को अति आवश्यक होता है घरों से बाहर निकलना और उनका प्रतिदिन का काम होता है कि हमें तो ऑफिस जाना ही है, घर से बाहर जाना है, तो वो लोग जरूर रिफ्लेक्टर लगाने पहुंचे और जो जागरूकता है उसके तहत भी लोग रिफ्लेक्टर लगाने के लिए पहुंच रहे हैं जिससे कि जो विजिबिलिटी में वो उपयोगी हो सके, तो कहीं ना कहीं प्रशासन है वो लोगों को जागरूक करता है कि आप विजिबिलिटी जो कोहरे की विजिबिलिटी कम होती है उससे बचे और जो रिफ्लेक्टर वो लगवाए जिससे कि कहीं ना कहीं जो आज धुंध में जो कोहरा होता है उसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो देखिए रंजना प्रशासन हर स्तर पर लोगों को जागरूक करता है कि लोग हैं वो आगे आए और रिफ्लेक्टर लगवाएं, ऐसे जो भी है धुंध से कोहरे से बचने के लिए
घरों से बाहर निकले तो रोड लाइट जो है वो बढ़ा दी गई है, अधिक देर तक जलती है, जिससे कहीं ना कहीं जो सड़कों पर उजाला रह सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन है वो हर स्तर पर लोगों को जागरूक तो करता ही है, जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना है और बहुत ज्यादा जरूरी ना तो अपने घरों पर ही रहें, क्योंकि कोहरे के चलते यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं भी बड़ी तादाद में हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार दो दिनों से चल रही सर्द हवाओं से प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। मंगलवार को पारे ने सर्दी का ऐसा पंच लगाया है कि 5 शहरों में जो तापमान है वो माइनस में पहुंच गया है। माउंट आबू की बात करें तो वहां पर सीजन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और पारा -4.0 डिग्री पहुंच गया। चार बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फतेहपुर की बात करें तो -3.2 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा जोबनेर में -1.8, सीकर में -0.5 और चूरू में -0.4 डिग्री पारा रहा। यह सीजन में पहली बार है जब 5 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया। इसके अलावा 12 शहरों में पारा भी 5 डिग्री से नीचे रहा। इन शहरों में भीलवाड़ा, वनस्थली, अलवर, पिलानी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डबोक, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में तापमान 5 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी सीजन की सबसे सर्द रात रही और पारा पहली बार 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले दिन में यहां पर पारा 5.7 डिग्री दर्ज किया गया था। 6 शहरों को छोड़कर सभी जगह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार इसमें अभी और गिरावट होने के आसार हैं। बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फतेहपुर शेखावटी की तस्वीर है, इसके अलावा आमेर की तस्वीर देखिए, गाड़ियों पर बर्फ जमती हुई नजर आ रही, हनुमानगढ़ और लुणकरसर में देखिए कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, विजिबिलिटी न के बराबर। ऐसे में हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों पर ही ठहरे, क्योंकि अगर आप वाहन चलाते हैं और चूंकि कोहरा यहां पर दिन तक बना हुआ है खासतौर पर राजस्थान के तमाम जिलों में, तो सड़क दुर्घटनाएं जो है उसकी संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। इसके अलावा 3 अन्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फरी तस्वीर टोडा भीम की है, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी को दूर कर रहे हैं। इसके अलावा जैसलमेर में देखिए यहां पर गाड़ियों पर बर्फ जमती हुई अब नजर आ रही है। तो सीजन में पहली बार 5 जिलों में पारा माइनस डिग्री पहुंचने के साथ ही अब लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ती हुई, कड़ाके की ठंड के बीच लोग यहां पर घरों में ही रहने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां तमाम कर रहा है, लेकिन कई स्थानों पर लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन द्वारा अलाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। रैन बसेरों में भी कई समस्याएं और अनियमितताएं सामने आ रही है, जिसमें जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है।